विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की कैंसर पीड़ित युवती फैजा तनवीर के मेडिकल वीजा मामले में भारत का पक्ष साफ किया है। एक के बाद एक कई ट्वीट करके सुषमा ने न केवल इस मामले में भारत सरकार का स्टैंड स्पष्ट किया बल्कि दोहरे मापदंडों के लिए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। सुषमा ने इस पूरे मामले में सरताज अजीज की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अजीज फैजा के आवेदन पर अपनी सिफारिश देने में देर कर रहे हैं। सुषमा ने ट्वीट किया, जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में इलाज कराने के लिए मेडिकल वीजा चाहते हैं उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मुझे भरोसा है कि सरताज अजीज को भी अपने देश के नागरिकों में काफी सहानुभूति होगी। पाकिस्तानी नागरिकों को मेडिकल वीजा जारी करने के लिए हमें केवल अजीज की ओर से सिफारिश पत्र चाहिए होता है। सुषमा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने ही देश में नागरिकों के मेडिकल वीजा के लिए अपनी अनुशंसा देने में सरताज अजीज हिचक क्यों रहे हैं। इसके बाद सुषमा ने एक और ट्वीट करके पाकिस्तान को उसके दोहरे मापदंडों की याद दिलाई। कुलभूषण जाधव के परिवार ने भी पाकिस्तान के वीजा के लिए आवेदन किया हुआ है लेकिन नवाज सरकार ने उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। पाकिस्तान के दोहरे मापदंडों की पोल खोलते हुए सुषमा ने लिखा कि अवंतिका जाधव पाकिस्तान जाकर अपने बेटे से मिलना चाहती है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई है। उनकी मां अवंतिका के वीजा का आवेदन भी लंबित पड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने उस पर कोई भी सुनवाई नहीं की। अंत में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मेडिकल वीजा के तलबगार से भी पाकिस्तानी नागरिकों को आश्वासन दिया कि सरताज अजीज का सिफारिशी खत्म होने पर प्रत्येक मामले में वीजा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN।